हाय गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो भी स्टूडेंट्स आप लोग अगर सीबीएसई के प्राइवेट कैंडिडेट का फॉर्म फिल करना चाहते हैं, आप किसी भी कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते होंगे, जैसे कंपार्टमेंट के लिए या इंप्रूवमेंट के लिए या एसेंशियल रिपीट आ गया था आपका, या एडिशनल सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, तो आप लोग के क्लास 10th और 12th के लिए सीबीएसई प्राइवेट फॉर्म का लिंक जो है वो एक्टिव हो गया है। अब आप अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए कैसे अप्लाई करना है उसके स्टेप वाइज स्टेप प्रोसेस के बारे में हम गाइड करने वाले हैं। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि फॉर्म फिल करते समय कोई भी माइनर मिस्टेक होता है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है सीबीएसई साइड से और आपका जो है एडमिट कार्ड रिलीज नहीं होता है। तो फॉर्म को बहुत ही बारीकी से फिल करना है एंड आपको फ़ोन से ट्राई नहीं करना है, मोबाइल फ़ोन से बिल्कुल नहीं ट्राई करना। अगर आपके पास लैपटॉप है उससे कर सकते हो। इनकेस आप चाहो तो हम लोग आपके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको सिंपली एक सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। आप सिंपली गूगल पे डून विनर सर्च करोगे, डून विनर वेबसाइट पर आ जाओगे तो यहाँ से हम लोग जो है आपको गाइड कर देते हैं। तो ये डून विनर पर आना है एंड देन सीबीएसई प्राइवेट पर आना है। अगर आप बैचेस में आना चाहते हो, जैसे सफलता बैचेस में भी फॉर्म फिलिंग का पूरा हम लोग डिटेल्स प्रोवाइड करते हैं। फॉर्म फिलिंग हो गया या आपका पूरे साल का गाइडेंस हो गया, स्टडी मटेरियल्स वगैरह सारा चीज़ें इसमें मिलता है। सफलता बैच जो कंपार्टमेंट स्टूडेंट के लिए होता है, फोकस बैच होता है इंप्रूवमेंट एंड फेलियर के लिए। पूरे साल इसमें भी हर एक सब्जेक्ट्स का नोट्स अवेलेबल है एंड आपका फॉर्म फिलिंग सपोर्ट्स भी रहेगा, वो सारा चीज़ें आप यहाँ से पढ़ सकते हो। एंड उसके साथ साथ अगर केवल आपको फॉर्म फिलिंग सपोर्ट चाहिए तो आप जो है हमारा अल्टीमेट सपोर्ट ले सकते हो। इसमें एडमिट कार्ड तक क्लियर रहता है, पूरे साल का ये भी है। तो आपको यहाँ से ज्वाइन करना है, इसमें आपको 299 बस कॉस्ट आता है एंड देन आप इनरोल कर सकते हो, ठीक है। इसके साथ साथ अगर कोई और भी इशू है, लाइक आपने फॉर्म फिल किया रिकॉर्ड नॉट फाउंड आ रहा है, तो इसी वेबसाइट पे आपको ज्वाइन का ऑप्शन मिलता है। उस पर आप ज्वाइन करके आपका डिटेल्स दे सकते हैं एंड देन वहाँ से हम आपको कॉल करके आपको बता देते हैं कि क्या इशू आ रहा है, कैसे अप्लाई करना है या कुछ भी, ठीक है। अब बात करते हैं सीबीएसई के फॉर्म के रिलेटेड। सीबीएसई के फॉर्म अप्लाई करते समय आप लोग को सबसे पहले मेन वेबसाइट पर आना है, cbse.gov.in पे। देन यहाँ पर आप आओगे तो आपको जो है ये लिंक्स मिल जाएंगे क्लास 12th के लिए एंड क्लास 10th के लिए। जैसे ही आप क्लिक हेयर टू अप्लाई पे क्लिक करोगे तो आप एक नए पेज पे आ जाओगे, जैसे यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से आपको डिटेल्स अप्लाई करना होता है। कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे वो जो हमारा पूरा इन्फॉर्मेशंस लाइक पीडीएफ फॉर्मेट में क्या क्या डिटेल्स होता है वो आप यहाँ से देख सकते हो, क्लास 12th के लिए और क्लास 10th के लिए क्लिक करके। कुछ चीज़ों का ध्यान दीजिए, अगर आपको कंपार्टमेंट आ गया था और आप चाहते हैं सारे सब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई करना तो आपको फेलियर में अप्लाई करना होगा। अगर केवल कंपार्टमेंट उसी सब्जेक्ट में देना है तो आप कंपार्टमेंट वाले में अप्लाई करेंगे। अगर आपके पास 5 सब्जेक्ट के साथ साथ 6 सब्जेक्ट, एक अगर एडिशनल भी था, 6 सब्जेक्ट थे और 5 में आप पास आउट हैं तो आप इंप्रूवमेंट कैटेगरी में अप्लाई करेंगे, अगर एक में आरटी था तो, ठीक है। बाकी अगर इम्प्रूव करना चाहते हैं तो इम्प्रूवमेंट में अप्लाई होगा ही। तो इसमें हम कैसे अप्लाई करेंगे, लेट से मेरे को फेलियर में अप्लाई करना है तो आप, मैं फेलियर पर क्लिक करूँगा एंड जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो एक ये फॉर्म खुल जाएगा। ऐसे ही सभी कैटेगरीज के लिए हो जाएगा, जैसे ये हमारा फेलियर कैटेगरी के लिए खुल गया। अब इसमें हमें डालना पड़ता है अपना एडमिट कार्ड का रोल नंबर, जो मेन एग्जाम्स का एडमिट कार्ड है, एंड देन उसके बाद से हमें किस ईयर में हमने पेपर दिया था पहली बार वो सेलेक्ट करेंगे। एंड उसके बाद से यहाँ पे हम लोग को देना होता है स्कूल का नंबर एंड देन सेंटर कोड एंड देन प्रोसीड करेंगे एंड देन आगे जो है हमारा फॉर्म खुल जाएगा। सिमिलर वे में आप आओगे यहाँ पे कंपार्टमेंट के लिए तो इस पर क्लिक करोगे, देन वही डिटेल्स देना पड़ता है। एंड सेम वे आप आओगे इम्प्रूवमेंट के लिए, सिमिलर डिटेल्स देना पड़ता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक एप्लीकेशन स्कोल के एंड देन उसमें डिटेल्स डालेंगे एंड फिर आपको आगे प्रोसीड करेंगे, फोटो वगैरह कैसे अपलोड करना है ये सारा चीज़ के बारे में, ठीक है। तो किसी भी तरीके के इशू आ रहे हैं तो डायरेक्ट लिंक जो है हमारे सपोर्ट का है नीचे आपका कमेंट सेक्शन में भी और डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हो। और गूगल पे भी जाके डायरेक्टली डून विनर सर्च करोगे तो हमारा वेबसाइट आ जाता है, वहाँ से भी आप इनरोल कर सकते हो, ठीक है। फेलियर कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए हमने पूरा डिटेल्स डाला और इस तरीके से आपका एप्लीकेशन खुल गया, ठीक है। जिस भी स्टूडेंट्स का, आप किसी भी कैटेगरी में अप्लाई करोगे तो आपका एप्लीकेशन कुछ इस तरीके से खुलता है, जिसमें आपका ऊपर क्लास कौन सा है वो दिखाई देगा, रोल नंबर क्या है आपका वो दिखाई देगा, आपका नाम क्या है वो यहाँ पे रहेगा एंड देन मदर्स नेम यहाँ पे आएगा, पापा का नाम, ये सब ऑटो जनरेटेड हो जाता है, ठीक है। एंड उसके बाद से अगर आप फेलियर कैटेगरी में अप्लाई करो तो जो भी सब्जेक्ट्स आपके पहले से थे वो सारे सब्जेक्ट यहाँ मेंशन रहेंगे, उसके आगे ऑटोमेटिकली चेक्ड रहेगा, ठीक है। बाकी अगर इंप्रूवमेंट में अप्लाई करते हो तो ये सब चेक करना पड़ता है किस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो, ठीक है। सिमिलर वे में एडिशनल के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो उसमें भी आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करना पड़ता है ड्रॉप डाउन से, ठीक है। और कंपार्टमेंट के लिए अप्लाई करो उसमें भी ऑटोमेटिकली आता है चेक्ड करके, अगर 2 सब्जेक्ट है तो उसमें से कोई एक सेलेक्ट करना पड़ता है आपको। अब यहाँ पे आपको अपना एड्रेस डालना पड़ता है, एड्रेस में आपका हाउस नेम, हाउस नंबर हो गया, उसके बाद से लोकेलिटी, लैंडमार्क आपका, मतलब जहाँ पे मार्कशीट को अगर आपके घर के आसपास कोई फेमस जगह है उसका नाम डाल सकते हो, जैसे कि पोस्टमैन आपके पास आसानी से पहुँच पाए मार्कशीट लेके। फिर आपका पिन कोड डालना है, स्टेट किस स्टेट में से हैं आप, मतलब आपका ये वो एड्रेस डालना है जहाँ पे आपको वो मार्कशीट चाहिए, ठीक है। जैसे आपने ये सब डिटेल्स डाला एंड डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किया, मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी दे दिया,
उसके बाद से आपको नीचे आता है, ये इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करने के लिए। तो सबसे पहले किस स्टेट में आप एग्जाम देना चाहते हो वो सेलेक्ट करना है, किस डिस्ट्रिक्ट में देना चाहते हो वो सेलेक्ट करना है, एंड देन ये पूरा वापस से रिव्यू करना है, देन सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। जैसे सबमिट एप्लीकेशन पे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे एक पेज खुलेगा जिसमें आपका एप्लीकेशन नंबर लिख के आ जाएगा। वो एप्लीकेशन नंबर आपको याद रखना है, ठीक है, मतलब उसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो या उसे नोट डाउन कर सकते हो अपने नोटबुक में। वो एप्लीकेशन नंबर की हर जगह जरूरत पड़ेगी, ठीक है। सभी डिटेल्स फिल आउट करने के बाद से जैसे ही आप एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे तो आपको यहाँ पे आएगा प्लीज नोट एप्लीकेशन नंबर, और एप्लीकेशन नंबर लिखा रहेगा, इसको आपको नोट कर लेना। हो सकता है आपका स्टेट अलग हो तो यहाँ पे चीज़ें अलग हो सकते हैं। उसके बाद से आता है प्रोसीड फॉर पेमेंट, प्रोसीड फॉर पेमेंट पे भी क्लिक कर सकते हैं या आप होम पे जाके आप आगे मूव कर सकते हैं। तो आगे मूव करते हैं एंड देन आपको मैं बताता हूँ। जैसे मैं प्रोसीड फॉर पेमेंट किया, ठीक है, तो ये सब चीज़ें आ गया। आप डायरेक्टली पेमेंट तो नहीं कर सकते, इससे पहले मुझे फोटोग्राफ अपलोड करने पड़ेंगे, तो मैं होम पे जाऊँगा एंड देन अब यहाँ पे जाना है अपलोड इमेजेस पे, ठीक है। अब अपलोड इमेजेस में आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एप्लीकेशन नंबर लिखना पड़ेगा, वही एप्लीकेशन नंबर जो स्क्रीन पे अभी दिख रहा था, वो एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे लिखूंगा और रोल नंबर लिखूंगा एंड देन प्रोसीड करूंगा टू अपलोड द इमेज। अब आगे देखते हैं कैसे हो सकता है। जैसे ही आप एप्लीकेशन नंबर एंड रोल नंबर डालोगे तो आपको जो है ये इंटरफेस आ जाएगा फोटो एंड साइन अपलोड करने के लिए। यहाँ पे साफ साफ मेंशन है कि 50 KB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। मैंने यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक किया एंड फोटो को JPG फॉर्मेट में अपलोड कर दिया। सिमिलर वे में साइन को क्लिक किया एंड JPG फॉर्मेट में अपलोड कर दिया। जैसे ही ये सारा चीज़ें अपलोड हो जाता है देन आपको अपलोड यहाँ पे क्लिक करना है एंड देन इमेजेस आपका सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगा। इसके बाद से आपका बचता है पेमेंट प्रोसेस, वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। जब आपका फोटो एंड साइन अपलोड हो जाएगा तो आपको यहाँ पे लिख देगा फाइल अपलोडेड। उसके बाद से आपको फिर से होम पेज पे आना है एंड अब फीस पेमेंट पे जाना है। फीस पेमेंट पे जाओगे और यहाँ पे फिर से एप्लीकेशन नंबर एंड रोल नंबर डालोगे एंड प्रोसीड पे क्लिक करोगे। तो मैं एप्लीकेशन फोन नंबर डालता हूँ एंड प्रोसीड करूँगा एंड देन फी पे करके दिखाऊंगा। इसमें केवल इंटरनेट बैंकिंग एंड डेबिट कार्ड यूज़ होता है तो आपको वो आपके साथ कैरी करना पड़ेगा। जैसे ही आप पेमेंट कंप्लीट करोगे उसके बाद से आपको जो है चेक फी स्टेटस पे आओगे एंड चेक फी स्टेटस पे करोगे तो वहाँ पे सक्सेस लिख के आ जाता है। अगर पेमेंट पेंडिंग है तो इट मींस कि आपके बैंक के साइड से कोई इशू हो गया है, उस वजह से पेमेंट नहीं गया, और जब तक पेमेंट नहीं जाएगा तब तक आपका कन्फर्मेशन माना नहीं जाता है, तो आपको एक बार बैंक को रीच करना पड़ता है इनकेस पेंडिंग है, तो अदरवाइज हो जाता है। देन उसके बाद से आपको कन्फर्मेशन पेज पर आना है। कन्फर्मेशन पेज पे जैसे क्लिक करोगे तो अगेन आपको वो सारे डिटेल्स देने हैं एंड सारे डिटेल्स फिल आउट करोगे तो कुछ इस तरीके से आपका कन्फर्मेशन पेज आ जाता है। इस पर सारा डिटेल्स रहता है, मतलब आपके किस किस सब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई किया हुआ है, क्या क्या नाम आपके हैं, पापा का मम्मी का नाम, सारा डिटेल्स रहेगा, आप किस कैटेगरी में आते हैं, उसके साथ साथ आपका क्या एड्रेस था, एग्जाम सेंटर क्या था, कितना फीस पे हुआ, वो सारा चीज़ें यहाँ पे मेंशन रहेगा आपको। और इसको आपको प्रिंट आउट ले लेना है। इसका प्रिंट आउट लेने के बाद से आप इसे रख सकते हो, जैसे ही एडमिट कार्ड आता है तो इसके बेसिस पे आप अपना एडमिट कार्ड भी ले सकते हो। तो यहाँ तक रहता है आपका सारा प्रोसेस, इसके बाद से आपका अप्लाई हो जाता है। किसी और तरीके का भी डाउट है तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो, बाकी हम लोग है ही हर तरीके से आपको सपोर्ट करने के लिए। इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना सो डेट कि वो भी इस वीडियो को देख के अप्लाई कर पाए, ठीक है। होप इन डेट आपको वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू सो मच।